हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, पिछला वीडियो हमने बताया था पास डेटा फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, बट आज पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू बताऊंगा। और इस ऑब्जेक्ट में कलेक्शन ऑफ डेटाज होंगे, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, नंबर टाइप का डेटा होगा, एनी टाइप का डेटा होगा। साथ ही साथ उसी ऑब्जेक्ट में मैं एक इमेज भी रखूंगा, उस इमेज टाइप का भी डेटा होगा। और ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट को कैसे हम अपने कंपोनेंट पे प्रिंट कराएंगे, कैसे कंपोनेंट पे ले जाएंगे, व्यू कराएंगे, ये सारी चीज़ आज प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो चलो लैपटॉप पे चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस करके। सो गाइस, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और जैसा कि आप लोग देख ही रहे, पिछले वीडियो में हमने जैसे कंपोनेंट का डेटा सारा पास किया था व्यू पे, और उसको हम प्रिंट करा के भी देख लेते हैं, एक बार लोकल होस्ट पे रन करा के देख लेते हैं कैसा दिख रहा था हमारा प्रोजेक्ट। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा था, पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू इन एंगुलर 9। सो आज हम करेंगे पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। तो पास ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके लिए एक मैं यहाँ पे फाइल जनरेट करूंगा ऐप में। तो उस फाइल का नेम मैं देता हूँ डेटा डॉट एंटिटी डॉट टी एस करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। डेटा एंटिटी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डेटा एंटिटी डॉट टी एस पे मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बनाने चल रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा वर्क करेंगे। सो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो हम इसे इसकी क्लास एक्सपोर्ट करेंगे। जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके लिए क्लास एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और क्लास एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास, और यहाँ पे सपोज मुझे जिस भी नेम से लेना है, मान लो मुझे डेटा नेम से लेना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा, मैं डेटा नाम से ले ले रहा हूँ यहाँ पर। और इसको मैं पैरेंथिसिस करली ब्रेकेट ओपन करता हूँ यहाँ पर, इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे यहाँ पे डेटा हम पास करेंगे, सपोज आईडी, तो आप यहाँ पे वैल्यू नहीं पास करोगे, आप यहाँ पे सिर्फ डेटा डिफाइन करोगे, बस डेटा क्या होगा और डेटा का टाइप क्या होगा। सो मैंने आईडी लिया, आईडी को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा और कॉमा करूंगा, सॉरी, उसके बाद नेम मैं ले लूंगा, नेम पे भी मैं स्ट्रिंग ही लूंगा क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का नेम होता है। यहाँ पर ईमेल लूंगा, ईमेल जो कि एनी टाइप का होगा, और यहाँ पर मैं नंबर ले लूंगा। सारी वैल्यू आपको स्मॉल में रखनी है, कोई वैल्यू कैपिटलाइज नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं फोटो ले लेता हूँ क्योंकि हमें फोटो भी लगाना है, तो यहाँ पे फोटो भी ले लिया, फोटो स्ट्रिंग टाइप का ही मैं रखूंगा। ओके, इतना लिख के सेव कर देना है। और ये देखो, 1 2 3 4 5 पांच फील्ड हमने ली है, इस पांचों फील्ड को अभी मैं यूज करने वाला हूँ। ओके ओके, यहाँ पे कॉलन है, टर्मिनेटर रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने होम कंपोनेंट डॉट टी एस पे हमें यूज करना है इसको। तो होम कंपोनेंट डॉट टी एस पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस टी एस वाली फाइल को पहले अपने होम कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद यहाँ पे आप जो भी नेम से क्लास एक्सपोर्ट किए थे, डेटा नाम से एक्सपोर्ट किए थे डेटा, और ये देखो ऊपर आ गया। अब इस लाइन को कोई लिखने का मतलब नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है। अब इस डेटा को हम अपने क्या करेंगे, इसमें इंपोर्ट करने वाले हैं। इंपोर्ट तो कर लिए पर अभी डेटा को हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए देखो हाइड है, बहुत डार्क कलर है, अभी देखो ये लाइट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने एज ए वेरिएबल रखेंगे। कैसे रखेंगे, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम डिफाइन करते हैं डेटा कोलन डेटा। अब ये हमारा क्या हुआ, अब हमारा ये पूरा डेटा हमारे इस डेटा पे आ रहा है, ठीक है। और अब इसी डेटा को हम यहाँ पे इंपोर्ट, सॉरी इसको मैं स्मॉल रखूंगा, सेम हो जाएगा तो फिर एरर जनरेट कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। मैं इस डेटा पे ये कैपिटल वाले डेटा का पूरा डेटा इसमें ले रहा हूँ, एज एक वेरिएबल मैंने बनाया डेटा नेम से, उसमें ये पूरा डेटा ले लिया। अब इस डेटा को चलो डिफाइन करते हैं थ्रू द ऑन इनिट पर, कैसे, एक काम करते हैं, इसको, इसका मुझे कोई काम अभी है नहीं तो इसको मैं हटा देता हूं, और इसका भी मुझे कोई काम नहीं है तो इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे सिंपल से प्रिंट कराना है। यहां पे होम पे जो होम दिख रहा है वही रहेगा, और यहां पर आता हूं, एक सेकेंड, होम पे मैं दे देता हूं स्ट्रिंग, और यहां पर दिस डॉट होम इज इक्वल, यहां पे मैं टाइटल दे देता हूं पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, मैंने इसको यहां पे दे दिया, और इस पे टर्मिनेटर लगाता हूं। और यहां पे अब मैं डिफाइन करने वाला हूं दिस डॉट डेटा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं एज ए पूरी वैल्यू दूंगा, सपोज आईडी है तो आईडी में मैं कुछ भी अब यहाँ पे रख सकता हूँ, मैंने 01 दिया, कॉमा नेम में दूंगा, यहाँ पे नेम पे मैं स्ट्रिंग लिया हूँ तो नेम पे मैं स्ट्रिंग ही दूंगा, ईमेल पे मैं यहाँ पे ईमेल दूंगा ashish@gmail.com, और यहाँ पर मैं फोटो क्या क्या लिया था मैंने पहले देख लूं, ईमेल नंबर है, फोटो है। ओके,
तो यहाँ पे मैं नंबर भी ले रहा हूँ, एक्चुअली ये एरर इसकी वजह से आ रहा है। मैंने यहाँ पे 001, बट इसको मैंने एज ए स्ट्रिंग पास किया हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। इसको मैं चलो स्ट्रिंग में दे दिया, और यहाँ पे मैं दूंगा मोबाइल, सॉरी नंबर, नंबर पे मैं कुछ भी नंबर डिफाइन कर दे रहा हूँ, नंबर ही है कि और कोई है, नंबर ही है। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने टर्मिनेट नहीं किया इसको, टर्मिनेट ओके कॉमा नहीं लगाया। एज ए ऑब्जेक्ट में टर्मिनेटर नहीं लगता, आप लोग भूल से मत लिखिएगा, MAIL। यहाँ पे मैं नंबर पास कर दे रहा हूँ कुछ भी, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फोटो, और फोटो हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही था तो यहाँ पे फोटो का नेम दूंगा, बट अभी हमारे पास फोटो नहीं, तो पहले फोटो निकाल लेते हैं। फोटो निकालने के लिए हम सिंपल से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं लायन आशु, यहाँ पे सिर्फ मेरी फोटो होगी तो इस वजह से मैं अपनी फोटो यहाँ से निकाल लूंगा, कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा। सपोज ये हमारी पिक आ रही है तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और सेव कहाँ करूंगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर करूंगा। प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है, डेस्कटॉप पर है, सो मैंने डेस्कटॉप पे आया, और डेस्कटॉप पे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे SRC पे, SRC के अंदर एसेट्स के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इसको भी इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मैंने दो फोटो सेव कर लिया फिलहाल, और इस दो फोटो की मुझे जरूरत नहीं, फिलहाल एक ही फोटो की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें उसका नाम देख लेना चाहिए क्या है, तो फोटो का नाम देखने के लिए आप एसेट्स फोल्डर के अंदर चले जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हम सपोज ये वाली फोटो मुझे लगाना है, तो इसको यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किए, और उसके बाद मैं अपने फिर से होम कंपोनेंट डॉट TS पे आता हूँ, और यहाँ पर इस इमेज का नेम पास कर देता हूँ, बस हो गया। अब इसे सेव कर लेना है आपको, और सेव करने के बाद अब इसको डायरेक्ट आपको रेंडर करा देना है, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ लिख के मैंने सेव किया, उसके बाद अब होम कंपोनेंट डॉट HTML पर आएंगे, और यहाँ जो पहला वाला H1 है, H1 वैसे ही रहेगा, होम वैसे ही रहेगा। अब सिर्फ जो भी करना है हमें वो यहाँ पे पास फिल आउट करना है बस अपने तरीके से। तो यहाँ पे हम टेबल के फॉर्म में प्रिंट करेंगे, जैसा कि बोले थे कि टेबल के फॉर्म में यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं, और टेबल के अंदर TR लेते हैं, TR के अंदर TD, और TD पे पहले पे मैं देता हूँ ID, और उसके बाद अगेन TD देता हूँ, यहाँ पर डेटा डॉट ID करूंगा, सेव कर दूंगा, और इसी तरीके से मैं सारे टेबल, पूरा डेटा को ऐसी टेबल के फॉर्मेट में कॉपी करूंगा, और इसी को मैं पेस्ट मारूंगा, सॉरी ये आई थिंक इतना ही हुआ, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ पूरा, बस रीनेम अकेल करना रहेगा मुझे, बस हो गया, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहला ID है, दूसरा नेम है, तो यहाँ नेम दूंगा, और यहाँ पे फिर नेम दूंगा, और तीसरे पे ईमेल है, तो यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल करूंगा, और चौथा नंबर है, तो यहाँ पे नंबर भी करूंगा। अब देखो फोटो वाले केस में आपको क्या करना रहेगा, कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, यहाँ पे फोटो पास करना है, तो इसके बाद आपको फोटो वाले पे एक चीज ध्यान देना है आपको, फोटो वाले पे फोटो थ्रू द इंटरपोलेशन होगा, और इंटरपोलेशन के थ्रू कैसे होगा, होगा इमेज टैग के साथ ही होगा, बट कुछ अलग सा, कैसे, इसको आपको हटाना पड़ेगा, IMG लगाना पड़ेगा, SRC टैग, IMG SRC के अंदर अब आप क्या करोगे, आप पाथ दोगे, पाथ कैसे दोगे, आप अभी कौन सी होम कंपोनेंट में हो, तो इसके पहले पहले बाहर जाना पड़ेगा, अब उसके बाद आपको एसेट्स फोल्डर पे जाना पड़ेगा। एसेट्स फोल्डर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे एसेट्स फोल्डर नहीं दिख रहा कहीं, तो एक बार और बाहर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एसेट्स फोल्डर मिल गया, अब ये इमेज लगा दो तब भी आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि इमेज नहीं लगाना, एसेट्स के अंदर डायरेक्ट क्या करना है, एसेट्स फोल्डर के अंदर ही प्रिंट करना है, तो यहाँ पे अब इंटरपोलेट करा लो, और इंटरपोलेट क्या करोगे, डेटा डॉट फोटो, बस हो गया, इतना लिख के सेव कर देना है। और उसके बाद इसकी हाइट विड्थ आपको जो भी देनी हो वो भी दे सकते हो यहाँ से, सपोज मुझे देना है HEIGHT हाइट 70, और विड्थ भी 70 ले ले ऑटोमेटिकली, तो मैं इतना ही रखता हूँ, सेव करता हूँ, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे भी कुछ एरर दे रहा है, ओके फेल टू समथिंग समथिंग एरर अनएक्सपेक्टेड, ओके देख लेते हैं इसको क्या एरर दे रहा है। तो यहाँ पे इंटरपोलेट कराया मैंने, और एसेट्स के अंदर यहाँ पे TD दिया, ओके कोई इशू नहीं, ये एरर एक्चुअली किस चीज का है, JPG, ओके यहाँ पे अपने इस पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया था जबकि टर्मिनेटर नहीं लगेगा, और सेव करता हूँ, अगेन अपने प्रोजेक्ट को देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली दिख रहा है। देखो ID पे 1 है, नेम आशीष है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, फोटो है। अब इसी चीज को हम अगर और अच्छे से करना चाहें तो आप सिंपल से क्या करोगे, टेबल टैग पे टेबल की क्लास दे दोगे, जैसे मैंने क्लास दिया और इसको दे दिया टेबल क्लास, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप मैंने पहले ही अटैच कर दिया है, तो अब सेव करूंगा, अब देखो परफेक्टली दिख रहा है, पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। एक काम करते हैं H1 टैग पे भी पास वैल्यू की जगह पास ऑब्जेक्ट करते हैं, और सेव करते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं आपको प्रोजेक्ट, पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू इन एंगुलर 9,
ID 1, नेम आशीष आशीष, और यहाँ मोबाइल नंबर भी दिख रहा है और यहाँ फोटो भी दिख रही है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस तरीके से आप एंगुलर 9 पे कोई भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं अपने व्यू पर, और इसी तरीके से आप और भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।